हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पोटली नेक डिज़ाइनिंग अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो इस फ्रॉक को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 3 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक। सो मैंने यहाँ पे हैवी जॉर्जेट ली है, इसमें मैं कोई लाइनिंग वगैरह का यूज़ नहीं करूँगी। हैवी जॉर्जेट मैंने ले ली है 3 मीटर। तो चले इस फ्रॉक को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके ट्राइंगल शेप में बिछा लिया है और मैंने इसको सेफ्टी पिन की हेल्प से इस तरह से सेट कर दिया है ताकि ये इधर उधर ना हो। जॉर्जेट है तो इस तरह से ये नीचे वाली साइड है और इसके बाद ये हमारी हो गई है कमर वाली साइड और ये बराबर वाली साइड। तो सबसे पहले जो हमारे कमर है वहीं से मैं इसको मार्क कर लूँगी इस तरह से। तो कमर इस तरह से रखने वाली हूँ मैं इसकी 9 इंच पे। तो 9 इंच पे मैंने इसको मार्क कर दिया है। अब इसकी लेंथ रखूँ तो मैं यहाँ पे 13 इंचिस आ रही है। 13 इंचिस पे मैं इसको मार्क कर लूँगी। हल्की हल्की सी राउंड शेप में ही हमारा मार्क इस तरह से आ जाता है। तो इसको मैंने इस तरीके से मार्क कर लिया है। अब इसकी लेंथ रख लूँगी मैं यहाँ पे। तो मैं इसको लॉन्ग बनाने वाली हूँ गाउन टाइप में। तो यहाँ पे इसकी लेंथ मैंने ले ली है इस तरह से 36 इंच। तो 36 इंचिस पे पूरे को मैं इसको मार्क कर दूँगी। तो कहीं से भी आपको इसको कम या ज़्यादा नहीं रखना है, नहीं तो जो इसकी शेप है वो अच्छी फिनिशिंग में नहीं आने वाली। तो पूरे को मैंने इसको 36 इंचिस पे इसके ऑल राउंड को मार्क कर दिया है। अब इसके बाद मार्क करने के बाद जहाँ पे मैंने इसको मार्क किया है वहीं से मैं इसको कटिंग करूँगी। तो मैंने वेस्ट ले ली है 9 इंच और इसकी जो लेंथ है वो ली है मैंने 36 इंचिस मैंने इसकी लेंथ ली है। और इसके बाद ऊपर से कट करने के बाद बीच में नोटिस भी मैंने दे दिया है। इसके बाद नीचे से भी कट कर दूँगी मैं। तो यहाँ से भी मैंने इसको इस तरह से कट कर दिया है। तो हमारा ये नीचे वाला पूरा घेरा कटिंग हो गया है। अब इसको कटिंग करने के बाद जो मैंने इसको पिन ऐड किए थे, इसको सेट किया था, तो मैंने पिन रिमूव कर दिए है इसमें से। और इसके बाद सीधी साइड दोनों हमारी अंदर है और दोनों साइड से मैं इसको स्टिच लगाते हुए बंद कर दूँगी। तो इधर से भी स्टिच लगा दूँगी। और पहले आपको इसको ही कट करना है नीचे के घेरों को। इसके बाद बचे हुए फैब्रिक मैंने इस तरह से ले लिया है, इसमें से मैं अपना टॉप पार्ट बनाऊँगी। तो इसी तरह से आप 3 मीटर में इसको बना पाएंगे। पहले घेरे को कटिंग करना है, इसके बाद टॉप पार्ट को और इसके बाद स्लीव्स को कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने टॉप पार्ट के लिए लेंथ ले ली है इस तरह से 17 इंचिस। तो पूरे को 17 इंचिस में मैंने स्ट्रेट लाइन कर ली है। इसके बाद लाइन को मैं डार्क कर दूँ ताकि आपको अच्छे से शो हो जाए। और इसके बाद जो हमारा शोल्डर साइज़ है वो 7 इंच रहने वाला है और हमारा जो आमोल है वो 1 इंच एक्स्ट्रा रहने वाला है शोल्डर से। तो मैंने इसको 8 इंच पर मार्क कर दिया है। इसके बाद यहाँ से ऊपर से डीप रहने वाला है 1 इंच का शोल्डर। इसके बाद यहाँ से मैं इसको राउंड शेप में मार्क कर दूंगी। ये हमारा फ्रंट वाला आमोल और बैक वाला आमोल, और इसके बाद ये थोड़ा सा अंदर को हमारा फ्रंट वाला आमोल रहने वाला है। इसके बाद डीप मार्क को भी मैंने इस तरह से कर दिया है। और इसके बाद चेस्ट ले लूँगी 11 इंचिस पर। और इसके बाद यहाँ से वेस्ट ले लूँगी मैं 10 इंचिस पर। तो इसको मार्क कर दिया है। अब दोनों मार्क को इस तरह से मिला दूँगी और दोनों मार्क को इस तरह से मिलाने के बाद 2 इंच का मार्क कर लूँगी जो कि हमारा मार्जिन का रहने वाला है। मैं 2 इंच मार्जिन रखती हूँ गाइस, तो आप अपने अकॉर्डिंग 1.5 इंच का भी रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से मैं इसको साइडों से 1 इंच का डीप रखने वाली हूँ ताकि हम नीचे वाले लेयर्स इसमें ऐड करें तो ये साइडों से लटके नहीं। 6 इंच पर मार्क करने के बाद यहाँ से 6 इंच से ही मैं इसको यहाँ तक के सीधा रखूँगी और यहाँ से मैं इसको इस तरीके से डीप कर दूँगी साइड से। अब इसके बाद मैं इसको कटिंग कर दूँगी। जहाँ जहाँ पे मैंने मार्क किया है वहीं वहीं से मैंने इसको इस तरह से कट कर दिया है। कट करने के बाद यहाँ से मैं ऊपर में नोटिस लगा दूँगी, यहाँ पे नीचे में भी बीच में नोटिस, और जहाँ हमारा फिटिंग वाला मार्क है यहाँ पर भी मैंने नोटिस इसको दे दिए हैं। इसके बाद इसमें से मैं अपना फ्रंट वाला पार्ट अलग निकाल लूँगी। तो ये मैंने फ्रंट वाला पार्ट निकाल लिया है अलग। अब जो हमारा आमोल अंदर को है फ्रंट वाला, इसको कट कर दूँगी। तो मैंने इसको कट कर दिया है यहाँ से इस तरह से। तो ये हो गया है हमारा फ्रंट वाला पार्ट। अब इसके बाद बीच से भी मैं इसको कट कर दूँगी। आप चाहो तो फ्रंट वाले पार्ट को थोड़ा सा आप इसको 1 इंचिस का इसकी विड्थ ज़्यादा भी रख सकते हैं क्योंकि हमारा बीच से स्टिच में जाने वाला है। तो मैंने सेम साइज़ का रख लिया है क्योंकि मैंने मार्जिन का ज़्यादा लिया है, बाद में मैं इसको कटिंग कर सकती हूँ साइडों से। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे मैं इसको बीच से इस तरह से बारीक बारीक सा डबल फोल्ड कर लूँगी। दोनों पार्ट को इसी तरह से कर लेना है, इसको इधर की साइड पे फोल्ड करना है और स्टिच लगा लेनी है। सो इसके बाद यहाँ पे मैं पोटली बना लूँगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे धागा ले लिया है, इसी में मैच होता हुआ फैब्रिक में, उसके बाद ये फैब्रिक लिया है। इसके बाद मैंने कॉटन ले ली है, तो आप कतरन भी इसमें यूज़ कर सकते हो, जैसे कि फैब्रिक की बची हुई कतरे छोटी छोटी सी करके वो भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो मैंने कॉटन ले ली है, थोड़ी सी कॉटन लेनी है इस तरह से राउंड राउंड शेप में, इसकी इस तरीके से गोली ऐसी बना लेनी है।
अब इसके बाद इसमें ऐड करने के बाद इसको इस तरह से घुमाते हुए और इसमें धागा इस तरह से लपेट देना है, अच्छे से धागे को इसमें ऐड कर देना है राउंड राउंड घुमाते हुए। तो ये हमारी पोटली बनके रेडी हो गई है। तो बाकी के मैंने सभी को इसी तरह से रेडी कर लिया है और इसके बाद यहाँ पे मैंने इस तरह से स्टिच लगा ली है। दूसरे वाले पार्ट को भी इसी तरह से स्टिच लगाई है। तो मैंने जो हमारा यहाँ पर राइट साइड पे पार्ट आने वाला है वही पार्ट लिया है। 6 इंच पे मैंने इसको मार्क कर दिया है। 5 इंच की लेंथ का हमारा नेक रहने वाला है और 6 इंच से मैं इसको पोटली लगाना स्टार्ट करूँगी। तो 1 इंच ऊपर से छोड़ देना है, 5 इंच की लेंथ का नेक रहेगा और 1 इंच छोड़ते हुए पोटली को इस तरह से रखते हुए स्टिच लगा लूँगी। तो यहाँ से किनारे से स्टिच लगानी है आपको और यहाँ तक के सीधा स्टिच को लेके आना है और इसी मार्क पे आपको पोटली को ऐड करते जाना है इसी मार्क से 6 इंच वाले। तो सभी को इसी तरह से रख लूँगी मैं थोड़े थोड़े से गैप देते हुए। तो 1/2 इंच का ही गैप रखना है बीच में और सभी को इसी तरह से मैंने इसमें ऐड कर दिया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। अब इसके बाद मैं इसको दूसरे वाले पार्ट में जॉइंट करूँगी। तो बहुत ही इजीली मैं आपको पोटली नेक डिज़ाइन बताने वाली हूँ, बिल्कुल परफेक्टली आप इसको बना सकते हैं। तो दूसरे वाले पार्ट को भी मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है। अब ये वाला पार्ट इसके ऊपर थोड़ा सा चढ़ाते हुए इस तरह से रख लेना है और यहाँ पे किनारे किनारे पे स्टिच लगा लेनी है। तो ये इससे हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा और फिनिशिंग जो है काफ़ी अच्छी आने वाली है इसकी इस तरह से। तो बिल्कुल किनारे किनारे पे स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे मैंने इसको किनारे किनारे पे स्टिच लगा ली है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे इसका फाइनल लुक, इस तरीके से हमारा जो है पोटली वाला टॉप बिल्कुल रेडी हो गया है। इसके बाद यहाँ पे मैं इसके नेक को रेडी करूँगी। तो नेक को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फैब्रिक पे सेट करके रखा हुआ है, राउंड वाला नेक मैं बनाने वाली हूँ। अब मैंने नेक को भी इस तरह से बीच में नोचिस लगा लिया है और इसके जोड़ पर इस तरह से रखना है नीचे से। अब 1 इंच का हमारा ये बचने वाला है इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे मैंने नेक को स्टिच लगा ली है, पहले बीच में स्टिच और इसके बाद इसके ऑलराउंड स्टिच लगाते हुए इस तरह से मैं इसको उल्टे की साइड पे टर्न कर दूँगी और इसके बाद मैं इसको स्टिच लगा लूँगी। तो कच्चा स्टिच में इसको लगाऊँगी, हैंड स्टिच करने वाली हूँ मैं इसको बाद में। सो यहाँ पे मैंने इसको स्टिच लगा ली है इस तरह से, देख सकते हैं आप। नेक जो है हमारा फ्रंट वाला टॉप पार्ट रेडी हो गया है। इसके बाद यहाँ पर मैंने बैक वाला टॉप पार्ट ले लिया है। इसके बाद टॉप इसके नेक की विड्थ ले लूँगी मैं यहाँ पे 3 इंचेस और नेक की लेंथ ले लूँगी 4 इंचेस और इसके बाद इसको मैं इस तरह से राउंड शेप में मार्क कर दूँगी। इसके बाद यहाँ से मैं इसको कर दूँगी कटिंग। सिंपली कटिंग करने के बाद मैं इसको ओपन करके बिछा लूँगी। इसके बाद यहाँ पे मैं इसको स्लिप लगाऊँगी। तो मैंने स्लिप ले ली है इस तरह से, देख सकते हैं आप। इसको मैंने तिरछा सा कट किया है ताकि ये अच्छे से इसकी फिनिशिंग अच्छे से आ जाए। तो डबल फोल्ड करते हुए स्लिप को मैं लगा लूँगी इसके इसमें और इसके बाद उल्टे की साइड पर टर्न करते हुए स्टिच लगा दूँगी। तो इसको भी मैं हैंड स्टिच करूँगी बाद में। मैंने इसको 3 साइज की स्टिच लगाई है। इसके बाद जो मैंने फ्रंट वाले टॉप पार्ट को रेडी करके रखा हुआ है वही मैं इसको इसके ऊपर ऐड कर दूँगी इस तरह से और दोनों के शोल्डर को स्टिच लगा लूँगी। सो यहाँ पे मैंने दोनों के शोल्डर को स्टिच लगाने के बाद इसके बाद यहाँ पे मैं इसकी फिटिंग की स्टिचिंग लगा लूँगी। तो बैक वाला हमारा थोड़ा सा चौड़ा निकलने वाला है। अगर आप इसको फ्रंट वाले को थोड़ा चौड़ा कट नहीं करते तो उसको कटिंग कर लेना है अपने हिसाब से। इसके बाद मैं स्लीव्स को रेडी करूँगी। मैंने स्टिच लगा ली है शोल्डर को भी और इसके इस तरह से बराबर वाले फिटिंग को भी। इसके बाद स्लीव्स को मैंने ऑलरेडी कटिंग एंड स्टिचिंग किया हुआ है, इसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी और स्टिच लगा दूँगी। स्लीव्स को ऐड करने के बाद नीचे वाले घेरे को मैंने ऑलरेडी आपको कटिंग एंड स्टिचिंग बता दिया है। इसके बाद मैंने इसकी बराबर वाली फिटिंग लगा दी है। इसके बाद मैं इसको इसमें जॉइंट कर दूंगी और इसके बाद आप देख सकते हैं हमारे गाउन का फाइनल लुक इस तरह से। नीचे में मैंने इसको पीको करी है ऑलराउंड और इसके टॉप पार्ट का डिज़ाइन आप देख सकते हैं कितना सिंपल सा आया है। पोटली नेक डिज़ाइन आप इस तरह से बना सकते हो बहुत ही ईजिली और बहुत ही फिनिशिंग के साथ। सो कैसा लगा आज का वीडियो? आई होप अच्छा लगा होगा वीडियो। तो कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा है और अगर आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। सो गाइज मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिज़ाइन के साथ, न्यू आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।